una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. मैं चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती हूँ. 700 साल बाद एक बार फिर मैं सुर्खियों में हूँ. डायरेक्टर भंसाली मुझ पर फिल्म बनाना चाहते थे तो बवाल मच गया. जयपुर में उनके साथ मारपीट हुई. यहाँ तक कोल्हापुर में उनका सेट तक जला दिया गया. जब मैं चित्तौड़गढ़ की रानी थी तब एक शासक अलाउद्दीन खिलजी मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया. पहले बोला कि अपनी एक झलक दिखा दो तो मैं अपनी सेना वापस लेकर चला जाऊंगा. लेकिन फिर उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला बोल दिया. मैं खिलजी के आगे नहीं झुकी. मैंने हजारों महिलाओं के साथ जौहर दिखाकर किले और अपनी इज्जत के लिए आग में कूदकर जान दे दी. तब मेरी दिलेरी की चर्चा होती थी. लेकिन अब कहा जा रहा है भंसाली अपनी फिल्म में मेरे और खिलजी का प्रेम प्रसंग जोड़कर दिखा रहे हैं, जिस पर ये सारा विवाद खड़ा हो गया है. मैं कहती हूँ फिल्म बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने फायदे के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है. लेकिन फिल्मकार कह रहे हैं कि हम ऐसा प्रेम प्रसंग नहीं दिखा रहे, बल्कि हम खिलजी को ऐसा कुछ इमेजिन करते हुए दिखा रहे हैं. अब सच क्या है ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई तो मेरी यानी पद्मावती की असलियत, असली कहानी दर्शकों के सामने नहीं आ पाएगी. लेकिन समाज के ठेकेदार बनकर कानून अपने हाथ में लेना भी कैसे सही ठहराया जा सकता है. पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो. लव यू.